दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्सेव को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्सेव में, मैं वैशाली। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर हाउ टू यूज जियो सिनेमा विदाउट जियो सिम। तो आपके पास अगर जियो का सिम भी नहीं होगा तो आप ये एप्लीकेशन जियो सिनेमा का किस तरह से यूज़ कर सकोगे। आप अगर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया चाहे जो भी, या तो कौन से अदर ऑपरेटर या तो वाईफाई का कनेक्शन यूज़ करते हो तो भी आप ये जियो सिनेमा का एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ कर सकोगे। यहाँ पर जियो सिनेमा का लेटेस्ट वर्जन तो नहीं आया है, बट जो ओल्ड वाला वर्जन है वो यहाँ पर 100% वर्क करता है। तो ये आपको किस तरह से वर्क करना होगा, किस तरह से डाउनलोड करना होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि आप जियो टीवी कैसे यूज कर सकते हो विदाउट जियो सिम। तो मैंने आपको जियो टीवी की जो डाउनलोड लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल दी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप जियो सिनेमा कैसे यूज कर सकोगे। आपके पास अगर जियो का सिम भी नहीं होगा तो यहाँ पर जो मॉडिफाइड एप्लीकेशन है जियो का, वो आपको एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना होगा। आपका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होगा वो वर्क नहीं करेगा। जो जियो सिनेमा का ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आपको अनइंस्टॉल करना होगा, वो आपको इंस्टॉल करना होगा यहाँ पर मॉडिफाइड एप्लीकेशन। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड की लिंक दी है, वहाँ से आप ये मॉडिफाइड एप्लीकेशन डाउनलोड आपको करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, यहाँ पर डाउनलोड किया मैंने, इंस्टॉल किया। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने यहाँ पर जियो का सिम जो है मेरा ऑफ किया है, तो मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाती हूँ जियो सिनेमा कैसे यूज़ करो आप। तो यहाँ पर मैंने जियो का सिम ऑफ किया और वाईफाई का कनेक्शन है वो वाईफाई का कनेक्शन मैं यहाँ पर कनेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वाईफाई को कनेक्ट हो गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको जियो का सिम, जियो सिनेमा का जो मॉडिफाइड ऐप होगा वो ही यूज़ करना होगा, ऑफिशियल एप्लीकेशन यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो मैंने ये इंस्टॉल किया मॉडिफाइड एप्लीकेशन, तो देखते ही इसे ओपन करके, तो यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पर जियो आईडी और पासवर्ड लगेगा। तो ये जियो आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं भी होगा तो आप आपके कोई फ्रेंड या तो रिलेटिव का यूज़ कर सकते हो। जो जियो यूजर्स होंगे उनके पास से आप जियो पासवर्ड और आईडी लेकर यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर वाईफाई का जो कनेक्शन कनेक्ट है, तो वाईफाई कनेक्शन पे मैंने ये ओपन किया है जियो सिनेमा का ऐप। तो यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस आपको ध्यान में रखना होगा कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल आपको लिंक दी है वहाँ से आपको ये डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। तो ये जियो का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद ओपन किया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सपोज़ आपको प्ले करना है तो यहाँ पर देखिए ये इजीली प्ले हो जाएगा, आप जो चाहे मूवी देख सकते हो। तो आपको इसके लिए जो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी या तो जियो की सिम की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप कोई भी ऑपरेटर के नेटवर्क से ये यूज़ कर सकते हो या तो वाईफाई कनेक्शन से भी आप ये यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान में रखना होगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है वहाँ से आपको ये मॉडिफाइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। ऑफिशियल एप्लीकेशन से ये वर्क नहीं करेगा, बट मॉडिफाइड जो एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन में लिंक की, तो वहाँ से ये 100% वर्क करेगा। जो ऑफिशियल है वहां से ये वर्क बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये उसके बाद में आपको मॉडिफाइड इंस्टॉल करना है मॉडिफाइड एप्लीकेशन, तो ये 100% वर्क करेगा। और आप जो चाहे वह सिनेमा यहां पर जियो सिनेमा में देख सकते हो, वो भी विदाउट जियो सिम या तो विदाउट जियो का कनेक्शन। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का वीडियो था, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। चलो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।